हेलो दोस्तों, आज हम कन्यादान कविता का सारांश कर रहे हैं। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटे की विदाई के वक्त माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही और तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान से जी सके, हिंसा अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कविता में माँ परंपरागत माओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वह अपने नए जीवन में और ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उसका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी भोली और नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसे दुख और परेशानी को बांटना या उनसे बाहर आना नहीं आता है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए माँ उसे अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई प्रामाणिक सीख को देने की कोशिश करती है। माँ अपनी बेटी को चार बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर के अपनी बहुओं को आग के हवाले कर देते हैं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि ये जीवन के सबसे बड़े बंधन होते हैं और महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। अंतिम सीख में वह कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सब स्त्री सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार जब भी हो तो उनका डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को जरूर उठाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।